हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग इंडिया की सबसे फेमस स्वीट डिश बनाने वाले हैं, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और भी बहुत सारे राज्यों में बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसका नाम है बासुंदी। वैसे तो ये सबसे ज़्यादा फेमस महाराष्ट्र में है। ये दूध से बनाई जाती है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग 1 लीटर दूध को उबालने के लिए रख देते हैं। इसे आप चाहे तो हाई फ्लेम पे भी उबाल सकते हैं, लेकिन उससे चांसेस होते हैं कि वो जल्दी ही नीचे उबाल के गिर जाए, इसीलिए हम लोग इसे लो फ्लेम पे उबालते रहेंगे और साथ ही में इसे बीच बीच में घुमाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना गिरे। इसे हम लोगों को तब तक उबालना है जब तक ये दूध आधा लीटर नहीं बन जाता। मैंने लगभग 1 लीटर दूध लिया है। ये रेसिपी बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसके टेस्ट के कंपेयर में वो टाइम कुछ भी नहीं है। उसी के साथ हम लोग इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं। जो ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ वो है खोबरा किस, शक्कर, काजू, बादाम और किशमिश। उसी के साथ जायफल और कुछ इलायची। आप चाहे तो इसी के साथ थोड़ा सा कैंडल्स मिल्क भी ले सकते हैं। मैंने जायफल और इलायची का पाउडर बना लिया है। चलो अब हम लोग काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। मैंने कुछ इस तरह इसके मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लिए हैं। 1 लीटर दूध के हिसाब से मैंने लगभग 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम और कुछ किशमिश लिए हैं, और उसी के साथ 2 टेबलस्पून खोबरा किस लिया है। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। चलो अब इसमें हम लोग 2 टेबलस्पून खोबरा किस ऐड करेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग इसमें जायफल और इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे। इन सब को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अभी एक उबाल आने देते हैं। इसमें अभी हम लोग थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर हम लोग थोड़ी सी ऐड करेंगे क्योंकि उबालने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है, जिसके वजह से ये और भी ज़्यादा मीठी होने के चांसेस रहते हैं। उसी के साथ हम लोग इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, किशमिश और बादाम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे और थोड़ी देर हम लोग उबाल लेते हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क चाहे तो इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं, या फिर दूध पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स को चाहे तो घी में भून के भी ऐड कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स दूध में उबल जाएंगे तब उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा और वो भी फूल जाएंगे। आप चाहे तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। केसर से इसे अच्छे कलर के साथ अच्छा फ्लेवर भी आएगा। देखिए उबालने के बाद इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है और ये कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। चलो अब हम लोग इसे बाउल में निकालने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करते हैं। हर फेस्टिवल की शान बासुंदी खाने के लिए रेडी है।